सबौर पंचायत के उच्च विद्यालय में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में करीब 5 वर्षों से गड्ढे में गंदे पानी का जमाव है। इस कारण आए दिन विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों की तबीयत खराब होती रहती है। इस बारे में बीडीओ और डीएम को कई बार लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन नतीजा अब तक सिफर है। ऐसे में गड्ढे के पानी में पनप रहे कीटाणु के कारण बच्चों को संक्रमण होने का खतरा हमेशा बना रहता है। सन्मार्ग के लिए सबौर से शंभु गोस्वामी की रिपोर्ट। 2 साल से करीबन डीएम सर के स्तर से आदेश दिया गया था बीडीओ मैडम को, बीडीओ मैडम भी अपने स्तर से काम की थी, यहाँ आकर के बैठक भी की थी पंचायत के सचिव के साथ। कब? 1 साल पहले। तभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद से फिर कोई कार्रवाई। पानी कहाँ से आता है? यहाँ ये हाई स्कूल का क्वार्टर है और बारिश का पानी हो गया, कस्तूरबा का पानी हो गया। निकासी का कोई साधन नहीं? निकासी का कोई साधन नहीं। बीमारी फैलने की संभावना तो प्रबल नजर आ रही है। प्रबल है। और ये जो खतरनाक जानवर होते हैं सुअर, वो बीमारी फैलने वाले होते हैं, मगर वो आते रहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ खाना बन रहा है, किचन है, वहाँ आसपास घूमते रहता है। ये कस्तूरबा के कैंपस में आता है, जहाँ किचन में खाना बन रहा है उसके आसपास घूमते रहता है, अगर हम लोग कुछ कर नहीं पाते। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।